क्या नाम है तुम्हारा? आप कहाँ से आ रही हैं? बिहार से। यहाँ का पता कैसे मिला? मोबाइल में सर्च किया ना। हाँ, कौन देखा था? आप देखी थी? देखा। ये देखी थी? तो मेरा बहन है ये। कब से वीडियो देख रही थी? अभी एक हफ्ता हुआ था। एक हफ्ते से? एक हफ्ता। क्या दिक्कत आ रही थी इनको? इसको यही होता है, कहूँ जाके मतलब खेलने लगता है। हाजिर हो जाता है, खेलता है, इधर उधर लड़ता है। नाम नहीं बताता है? बहुत परेशान रहता है, बच्चे लोग का बहुत मारती भी है। मेरे क्या बोलेगा, तुम्हारा लड़के लोग का पागल बनाया, तुम्हारा आदमी को मार दिया, बहुत ये बहुत बोलता रहता है। इसको कब पकड़े हो तुम? इसको कब पकड़े हो? इसकी शादी हुई है तब से। कोई पकड़वाया है या खुद पकड़े हो? माइक इनके मुँह के पास कर दीजिए और आगे आ जाइए। इसको पकड़े हो या कोई पकड़वाया है? थोड़ा नीचे रखिए। कौन पकड़वाया है इसको? वो कौन लगती है इसकी? इसकी सास लगती। सगी सास? क्या नाम है उसका? नहीं कहेंगे, मारेंगे हमको। कौन मारेगा? इसकी सास। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। करती है क्या वो? क्या नाम है उसका? नाम तो बताओ। नाम क्या है? नहीं कहूंगी, मुझे मारेगा। नाम क्या है उसका? जल्दी नाम बताओ। जो करती है उसका नाम क्या है? वो साथ में रहती है इनके? इसके आंगन में रहती है। क्यों, क्या दुश्मनी क्या है? नैरा से पकड़ के ले आई है। इसके आदमी को भी की है? मतलब उसका अपने लड़के को भी की है, सगे लड़के को? तो लोग साथ में रहते हैं? नहीं, वो बाहर में रहता है, ये गांव में रहती है। क्या दुश्मनी क्या है? इसको सिखाती, इसीलिए ये नहीं मान रही है। अच्छा, इसको सिखाने के लिए कि सीख ले ये सब चीज गंदा काम, इसी वजह से इसको कर दिया? शुरू से सबसे शादी हुई है ना। हाँ बेटा, इसके गांव ले गई, नैरा ले गई इसकी सासुर, तो ये ना उसकी कमजोरी पकड़ के इसको ऊपर डाल दी कि नैरा में इसकी की है, इसीलिए। पूछिए और क्या पूछना, बता दो। कौन है वो बुढ़िया जो है? वो रखा है, उसको कितना भूत है? देवा उसी को है, दे दिया। वो देवी है कि भूत प्रेत है जो है? देवी है, हम मनुष्य देवा है। नाम क्या है? देवा हो तो इनको परेशान काहे को कर रहे हो? इसकी सास भेजती है इसलिए। तो तुम देवा हो ना, पावरफुल हो, तो फिर कैसे उनके अंडर में आ गए हो? नाम कौन से देवा हो? मेरा नाम राहुल है। उसको लड़का है तो बुद्धि का? कैसे मर गए थे तुम? मुझे बच्चा में मार दिया। बच्चे में मार दिया था? कब से हो इनके ऊपर? कितने साल से? इसकी साथ के, जब से शादी हुई तब से। कब से, कितना साल हुआ? 19-20 साल से हो? क्या क्या दिक्कत दी है उसको? इसको पागल बना के बुआ है, इसको बेटी को भी मार रहे थे, ये नहीं मरी। तुम ही लोग करते हो ऐसा? मेरे आदमी को भी मार दिया, लड़का की पागल बना दिया। ये सब कौन करवाया? ये सब इसकी सास ने। किसकी? इस लड़की की सास ने? क्या नाम है उसका? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी इनकी सास जो है, वो करती है ना, जाओ उसको लेके आओ, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं। वो नहीं आएगी। जाओ लेके आओ, हम तुम्हें पावर दे रहे हैं। बहुत पावर, बोलो हम तुम्हें पावर दे रहे, तुम लेके आओ उसको, जाओ। इसका घर वाला फोन कर रहा था से। लो इसको पियो, ऊपर से मुंह खोलो, ऊपर से इसको पिलाइए। पावर तुम्हें दे रहे, तुम लेके आओ उसको, मुंह ना लगे, ऊपर से पियो। मुंह खोलो, तुम्हें बांध के रखी है ना वो, अभी तुम्हें आजाद कर देंगे मुझसे, ऊपर से। बस 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 छोड़ दिए, जब तुम्हें पावर दे दिए उसको लेके आओ कौशल्या देवी की को। जाओ लेके आओ उसको कौशल्या देवी को, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं तुरंत।
जाओ तुरंत लेके आओ उसको। वो खाना खा रही है, नहीं आएगी। क्या खा रही है खाने में? खाना भात चावल। कपड़ा क्या पहनी है वो? कपड़ा कौन कलर का पहनी है? गुलाबी। गुलाबी क्या? सूती में। उसको ले के आओ, बोलो बाबा जी बुला रहे तुरंत। खाना छोड़ के कहो आए तुरंत। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तू मुझे कुछ कर पाएगा? क्या नाम है तेरा ये बता। ये हाजिर होती है आपके घर पे ही? डाइन जो है इसकी सांस। इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम इसको कर रही हो? इसका मार बे, मार बे। काहे मार बे? तुम्हारे लड़के की, तुम्हारे लड़के की बीवी है ना ये, तुम्हारी बहू है ना? किया ना, फिर से बेटा का ब्याह करती है। दूसरी शादी कर दी है? अच्छा, इसको मार के फिर करवाएगी? तो इससे दुश्मनी क्या है? इसको मार के फिर तो शादी आखिर। इससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? कुछ भी नहीं। तब काहे को मार रही हो? फिर भी हमको उसका, इसकी मायके में बढ़िया है, वो कमजोरी मिल गया, इसीलिए इसको मार के, इसको पकड़ के नहीं आता कि अपने आप मर गया। मेरे पापा को मार के रखा है इसको, कोई मार। इसके पापा को भी तुमने मार के रखा अपने पास? सब मिल के मारी। कौन कौन है तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है? एक तो मर गई। तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है? ये सब काम कर रहा है बहुत है। ये सब काम जो कर रहा है तंत्र मंत्र, तुम्हारे साथ और कौन है? वो मायके में है और मेरे पति साथ देता है और मैं हूँ। उसको पता है? तुम्हारे पति को पता है तुम ये सब सीखी हो और तुम इसको सिखाने के चक्कर में लगी हुई थी? ये नहीं सीखी तो तुम इसको कर रही हो? वो सहेली तो खिलाई है। क्या खा रही थी अभी? खाना खा रही थी तुम? हाँ। क्या खा रही थी खाने में? सच्ची बात। कौन बनाया था? मेरी एक बहू है इसने। कौन बहू? सजली बहू। उसको सिखा दियो तुम? नहीं, आप सिखाती है। आप सिखे अभी सिखाओगी? हाँ। और क्या बात करना है आपको? कुछ बात करनी है? आदमी क्या मारने चाहिए? अगर बड़की बेटी क्या मार? किसकी बड़की बेटी को? इसकी मार दी? मारने वाली हो? कैसे सीखी थी तुम? अपना बेटा को मार के सिखा ली है। अपने बेटे को बलि दे के सीखी हो? कौन से बेटे को? पेट में चले जाए बड़ा था वो। हाँ, पहले पेटे में मार के सीखी हो? कितना साल पहले सीखी हो ये सब? शादी जब तुम्हारी शादी हुई थी। अभी उम्र कितनी है तुम्हारी? अभी 60 के लगभग। 60 साल उम्र है। इनके आदमी को कौन मार रहा है? कौन? आपकी ननद भी सीखी हुई है, वही मार दी? अच्छा, इसके साथ मिली हुई है। तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है सब चीज में? तुम्हारे साथ में जो ये तंत्र मंत्र कर रहा है और कौन कौन है इसके जानने में? अभी कोई नहीं है। नहीं, एक तुम हो और एक इसकी ननद है। और नहीं, इसकी ननद नहीं, इसकी सास थी, मर गई। सास थी, मर गई वो? कैसे मर गई वो? उसके बाबा ने तो सजा दिया, मर गई। देखो बाबा ने सजा दिया, सलानी ने नाम था उसका। मैं बम्बई गए थे ना बाबा, वहाँ पे हुआ ऐसा। मैं बहुत कष्ट झोले बाबा, अभी जमा लड़का का बुआ रहा है, अभी मेरे आदमी की बीमारी। और का क्या पूछना है आपको? कुछ पूछना है? और इसको करके कौन खिलाया था? इसको करके कौन खिलाया था? इसको करके कौन खिलाया था? तुम्ही खिलाई थी? कौन चीज में? कौन चीज में करके खिलाई थी? चावल में? जब चेक हुआ था इनका टोकन कहाँ है? बोला दूसरा वाला, ऐसे ही एक ठाउर होगा ना। एक किस दिए थे? आई नहीं वो दिए थे।
इसमें है क्या? नहीं इसमें नहीं है। एक और टोकन होगा ना जब चेक हुआ था जिसमें लिखा रहता पूरा। अच्छा उसके पास है। नहीं नहीं ठीक है, तो नहीं बता दी खुद ही। आज से तेरा तंत्र मंत्र सब खत्म, अब ना तू किसी को कर सकती है ना कभी सीख सकती है। उल्टी गिनती शुरू आज से, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अभी तू देख। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितने तक अब तक के कितने को मारा अब तक? मौत के घाट कितने को उतारा? ससुर को भी मारी। ससुर को भी तुम्हें मारा है? कितने लोग को, कितने लोग को मारा अब तक? मैं देवर को मारी हूं। अपने देवर को भी मार दिया? और जयदी है बेटी उसको भी, अपनी बेटी को, रियाद की बेटी को, भैंसुर के बेटा को मारी हूं। तो ये सब मार के तुम्हें क्या मिला? बहुत मजा मिल रही है, शक्ति मिली है। आज से तेरी शक्ति सब खत्म, अब तू कभी सीख नहीं सकती ना सिखा सकती ना कभी कर सकती है। कुछ नहीं कर पाता, देख मेरे सिखा बचा नहीं पाया अपने बीबी को। अब बचा लिया, अब तू इधर सामने सही से बैठ, अब सामने देख इधर। आँख खोलिए, इसकी आँख खोलिए, थप्पड़ एक दीजिए, एक थप्पड़ जाइए, एक हो खुलवाइए। बड़ा मजा बाल दीजिए ना, चल भाग आवाज से तेरा बुरा वक्त शुरू। भाग चीता पे इसको आग में डाल, तुरंत इसको जाके जहाँ आग जलती होगी बीच में वहां डालिएगा। भाग चिता पे तुरंत, सर भारी हो रहा है, पूछिए कहाँ से आ रही हैं आप? बिहार से। अभी क्या हुआ तो कुछ याद है आपको? कौन किया है, आपकी सांस की है, वो आई है, हाजिर हुई है, बताइए सब कुछ। आपको मारना चाह रही है, आपके पति की दूसरी शादी करवाना चाह रही है, इनके आदमी को भी मार दिए, सब जितने जितने को मारी सबका बताइए। आपको सिखाना चाह रही थी हुई सब तंत्र विद्या? नहीं बाबा, नहीं आता, नहीं आता। वो आइए बताइए कि हमें सिखाना चाह रही थी, हम सिखाना चाह रहे थे लेकिन ये सीखने से मना कर दी, इसी वजह से इसको कर रहे हैं। अब आज सब खत्म हो गए, सब गए हैं, उसका तंत्र मंत्र सब खत्म हो गया आज से, अब वो कभी कर नहीं सकती ना कभी सीख सकती है। हम लोग ऐसा पाप नहीं करते, हम लोग अच्छे। बहुत सही किया आपने, मना कर दिया। अब एक तीन नंबर वाली है ना बहू, उसको भी इसको लग जब से शादी हुआ तब से परेशान, जब से शादी हुआ तब से पकड़ा हुआ था, वही बताया। वीडियो बन गई, नेट पे जाएगी, देखिएगा। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है? ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं इनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पर इनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा,
अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का, जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग, तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार, रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च।
विदेशियों के लिए भर्तियान पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।